बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत अख्तियार कर चुका है और रमज़ान अल मुबारक के बावजूद लोग सड़कों पर आके मुजाहरे कर रहे हैं और इस सूरत हाल में हर कोई ये चाहता है कि जो तवानाई का बहरान है किसी तरीके से हल हो। और अब हाल ही में एक इंजीनियर आगा वकार साहब जो हैं, उन्होंने एक वाटर किट ईजाद की है और उस वाटर किट की ईजाद के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि शायद जो तवानाई का बहरान है किसी ना किसी तौर पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर हल होगा। लेकिन कल आपने देखा कि हमने आगा वकार साहब के साथ प्रैक्टिकल उन्होंने किया, आपको दिखाया कि वाटर किट के साथ गाड़ी कैसे चलती है, लेकिन इस पर कुछ मजीद सवालात अभी बाकी हैं। कुछ जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंसदान हैं, वो इस पर कुछ मजीद सवालात उठा रहे हैं, तो हमने दोबारा आज दावत दी है। आगा वकार साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं, कल इन्होंने हमारे साथ वाटर किट के साथ गाड़ी चलाई थी। उनके साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर शौकत परवेज साहब, जो कि पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, मारूफ साइंसदान हैं पाकिस्तान के। इनके साथ हम ये जो आगा वकार साहब की एक वाटर किट है इस पर बात करेंगे। डॉक्टर शौकत परवेज साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने ये आगा वकार साहब की जो वाटर किट है इसको देखा है, क्या आपके ख्याल में ये वाटर किट जो है इससे आगे चल के पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो सकता है? डेफिनेटली जी, एक चीप फ्यूल है ये, और ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, अल्टरनेट है फ्यूल का, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, पाकिस्तान में भी हैं, सोलर है, कोल है, विंड है, मगर ये जो इन्होंने डेमोंस्ट्रेट किया वाटर को फ्यूल के तौर पर यूज़ करने का, दैट विल हेल्प अस। तो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये दुनिया में ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं थी? ये आगा वकार साहब जो हैं इन्होंने डेमोंस्ट्रेट किया तो हमें पता चला। नहीं, वकार देखिए पाकिस्तान में तो नहीं थी, मगर बेसिक कुछ वर्क हमने वैसे पीसीसीआर के लेवल पे हमने भी कराया था, मगर हमने इस लेवल पे डेमोंस्ट्रेट नहीं किया क्योंकि हमारा एक मैंडेट भी नहीं था। मगर हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक इंजीनियर ने एक अच्छा काम किया, प्रैक्टिकली उसको डेमोंस्ट्रेट किया, और इनके साथ मेरी वेरियस मीटिंगें भी हुई हैं और हम इनको टेक्निकली सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपनी लैब्स भी इनके दे रहे हैं कि आप इसमें आपके जो भी आपकी रिक्वायर्ड है, काम करना है, आपने कोई चीज़ मशीन चाहिए, इसलिए कह रहे थे सीएनसी मशीन चाहिए या कोई और प्रेशर पंप चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, तो उसको हम फैसिलिटेट करने के लिए हमने कमिटमेंट किया इनके साथ, और इनके साथ मिलकर हम जो है ना इसको एक्सपेंड करने का इरादा रखते हैं, करेंगे इंशाल्लाह। आप इनके साथ मिलकर एक्सपेंड करेंगे इसको? जी डेफिनेटली। अच्छा आगा वकार साहब, जैसा कि डॉक्टर शौकत परवेज साहब कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन आपने कल हमें ये कहा कि ये दुनिया में वाहिद आपने वाटर किट ईजाद की है। जी हाँ, मैं डॉक्टर साहब की इस बात पर थोड़ा इतफाक नहीं करूँगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि 100% फ्यूल पे कहीं भी दुनिया में नहीं। दुनिया में ये वाटर किट इस्तेमाल जरूर करते हैं, मगर उसमें मिक्सचर डालते हैं, रेशियो डालते हैं 60%, 40% या 50% मेथेन का, गैसोलीन का या डीजल का, उस हिसाब से भी उसको वाटर किट कहते हैं, वाटर फ्यूल जनरेटर कहते हैं उसको। 100% वाटर जो है दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर वो उसको जो यूज़ कर रहे हैं मेथेन वगैरह, उसको कहते हैं माइलेज इंक्रीजर, यानी कि उसको थोड़ी तवानाई सेव करने के लिए एज ए तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर वो भी इतना कामयाब नहीं है। और ये 100% वाटर दो दुनिया में नेट पे देख लें, कहीं भी देख लें, कहीं भी कोई वेट गाड़ी 100% वाटर पे किसी दुनिया किसी भी कोने में नहीं चल रही। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, ये सही कह रहे हैं कि दुनिया में कहीं भी 100% वाटर पे कोई गाड़ी नहीं चल रही? मेरे पास जो लिटरेचर इस वक्त मौजूद है, जो कि मैं इंटरनेट से डाउनलोड करके आया हूँ, तो क्योंकि वाटर पे प्योर उन्होंने किया है डेफिनेटली, अब मैं को डिबेट नहीं कर सकता, बट किट्स अवेलेबल हैं जो हाइड्रोलाइज करके, क्योंकि होता प्रोसेस ये है कि वाटर को आप कोई 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 हमें बताएं ना कौन सी किट कहाँ पे है, दिखाएं जी, देखें। एक्चुअली ये है जी, वाटर को हाइड्रोलाइज करते हैं और टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट करके ना जी, उससे एक्चुअली हाइड्रोजन जो है ना वो एज ए फ्यूल यूज़ किया जा सकता है वाटर। अब जापान ने फ्यूज़ किया है इसको पेट्रोल के साथ और हाइड्रोजन के को यूज़ किया है, पेट्रोल के साथ, और इनका जो क्लेम है प्योर वाटर को यूज़ किया, ये भी क्वेश्चन है, हम इसको टेक्निकली भी एवलुएट कर रहे हैं, और आई थिंक अगर इन्होंने डेफिनेटली कर लिया, इन्होंने मुझे भी दिखाया, मैंने खुद भी देखा उसको, वी शुड अप्रिशिएट। अच्छा, टेक्निकली हम इसको एवलुएट कर कुछ रिसर्च हमने भी किया है, वो जो जैपनीज कंपनी है उसका हमने देखा है, लेकिन वो जैपनीज कंपनी नहीं चल सकी,
ये वही जापानीज कंपनी में कंपनी ये किसी कंट्री का नहीं है, ये हाउ टू रन एक प्रोसीजर है, ये इंटरनेट से डाउन किया हुआ है कि कैसे चल सकता है। मगर इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं कि किसी मुल्क में किसी कंट्री में कोई कार चल रही है, इसमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन। अच्छा अब बात करते हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अताउर रहमान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, ये आगा वकार साहब जो हैं, इन्होंने कल डेमोन्स्ट्रेट करके हमें दिखाया, एक इन्होंने वाटर किट ईजाद की है, इससे इन्होंने गाड़ी हमें चला के दिखाई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इससे कोई पाकिस्तान में जो एनर्जी का क्राइसिस है उसको हल करने में किसी हद तक हमें कोई फायदा हो सकता है? देखिए इस सिलसिले में मैं दो तीन बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। जी सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ ये क्लेम कर रहे हैं कि प्योर वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस से ये हाइड्रोजन जेनरेट कर और उससे गाड़ी चला सकते हैं, तो साइंस का जो बुनियादी असूल है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक ओ लेवल स्कूल का बच्चा जो है वो भी पढ़ता है और सीखता है, वो ये है कि जितनी आप तवानाई डालेंगे उससे ज्यादा तवानाई निकाल नहीं सकते। आप जो तवानाई डाल रहे हैं वो बैटरी पावर से डाल रहे हैं, या अगर हाइड्रोजन का सिलेंडर आप रख रहे हैं उससे आप उसको बर्न करके डाल सकते हैं, और जो निकलेगी तवानाई, जो बेस्ट दुनिया में फ्यूल सेल्स कहलाते हैं, ये जो फ्यूल सेल्स बेस्ट है उनकी एफिशिएंसी 30-40-50% के रेंज में होती है, वो भी बड़ी मुश्किल से हासिल होती है, और ये बहुत कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, इस वजह से ये मार्केट में नहीं आ पाई। बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी इस्तेमाल होता है, प्योर वाटर पे तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर ही नहीं सकते, एक इलेक्ट्रोलाइट भी डालना पड़ता है, और फिर जो एनर्जी जनरेट होती है वो जो है वो कम होती है बनिस्बत उसके जो कि एनर्जी आप इसमें डाल रहे हैं। एनर्जी डाल रहे हैं आप बैटरी से डाल रहे हैं या किसी और सोर्स से डाल रहे हैं, बैटरी को चार्ज करके आप डालें या किसी सोर्स से डालें, तो आप एनर्जी आउटपुट ज्यादा नहीं ले सकते उससे जो कि आपने इनपुट दी है एनर्जी की। इनपुट जो आ रही है वो बैटरी के जरिए आ रही है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के जरिए। तो पहला पॉइंट तो ये था कि ये साइंटिफिकली टोटली इनकरेक्ट है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इस तरह के बहुत सारे ममालिक में, आप विकिपीडिया पे चले जाएं तो आपको लिखे पता चलेगा कि 20 साल की जेल अमेरिका में हो गई, श्रीलंका में 10 साल की। बिल्कुल वो सारे देखें, वो तो कल हमने अपने प्रोग्राम में वो सारे हमने इनसे डिस्कस किए वो। जी जी, तो ये मतलब ये है कि इस तरह के जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं ये बहुत कॉमनली हुए हैं, ये दूसरा पॉइंट, और ये दुनिया डॉक्यूमेंटेड है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब तक इनकी गाड़ी जो है, जो ये क्लेम कर रहे हैं, जब तक प्रोफेशनल इंजीनियर्स, आप एक छोटी सी टीम बनाएं जिसमें एनईडी यूनिवर्सिटी है, नस्ट है, यूईटी लाहौर है, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, वो उन वहां जो फ्यूल सेल्स पे जो लोग काम करते हैं वो इसको एग्जामिन करें कि ये क्या चीज है जो ये कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सी और जगहों पे ये किया गया है जिन्होंने जिस तरह के फ्रॉड के केसेस हुए हैं कि उसमें या तो एक गैस का सिलेंडर सीएनजी का कहीं छुपा के लगा हुआ था जो अंदर से जा रहा था, या फिर हाइड्रोजन का सिलेंडर लगा हुआ था। तो जब तक कि गाड़ी को एहतियात से टेक्निकल तौर पे एग्जामिन ना कर लिया जाए, इस तरह के जो क्लेम्स हैं जो कि साइंस के बुनियादी उसूल के खिलाफ हैं उनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। और मुझे तो ये ताज्जुब है कि ये इसमें मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, उन्होंने भी इसको इसकी वाहवाह की है। पहले इसको टेक्निकली देख लिया जाए कि ये जो क्लेम कर रहे हैं, जो कि दुनिया में सब लोग कई जगह इस तरह के क्लेम हुए और सब फ्रॉड पाए गए, उसमें ये क्या चीज नहीं कह रहे हैं और क्या वो साइंसी उसूल के तहत सही भी है या नहीं। अच्छा आप जरा आगा वकार साहब की बात सुनिए। आगा साहब आप इतराजात का क्या जवाब? सबसे पहले तो मैंने आपसे जो आप थ्योरी की बात कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक की बात कर रहे हैं, तो प्रोसीजर तो एक ही है। दुनिया में जितनी भी चेंजेस आई हैं, और ये क्या दुनिया में कभी थ्योरीज चेंज नहीं की गई प्रैक्टिकल करने के बाद, कि जो थ्योरी बताती है उसके अगेंस्ट जाके जो काम किया गया, जो जहाज की जो पहले पेलन की माइट एंड राइड ने की, क्या वो थ्योरी पे था? प्रैक्टिकल के बाद उसकी थ्योरी बनी, थ्योरी के बाद कभी प्रैक्टिकल नहीं बनता। जो प्रैक्टिकल प्रूव करता है उसके बाद थ्योरी बनती है, और आप जितने भी हैं वो PhD जाके करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो थ्योरी बताए और वही हो, लकीर के फकीर एक नुक्ता नहीं डाल सकते आप किसी चीज पे। जब इसके आगे पीछे नहीं देखेंगे थ्योरी के, तो आप आगे नहीं जा सकते। क्या एटॉमिक एनर्जी की थ्योरी थी? नहीं थी तो अब बनी है। ये कि जितनी इन्वेंशंस थी क्या पहले से थ्योरीज थी और उनके लाभ बने हुए थे जिसको पढ़ के ये बनाई गई है? नहीं, ये तजुर्बा करके जो अनपढ़ थे उसकी थ्योरी पढ़ के आप PhD करते हो, ना कि PhD की
थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये तो आपकी बात बिल्कुल ही मैं टोटली गलत किया, पूरी हिस्ट्री गलत कर देगी कि ये थ्योरी पढ़ के कभी भी आप पीएचडी नहीं कर सकते हो, बल्कि प्रैक्टिकल के थ्योरी बना डॉक्टर डॉक्टर तावरमान साहब और डॉक्टर तावरमान का दूसरा क्वेश्चन ये है कि एनर्जी जितनी आप लोगे उतनी जनरेट कर पाओगे, ये टोटली गलत है। जो हम इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस को हम जनरेट करने के लिए बिजली देते हैं, डीसी करंट देते हैं गाड़ी से 12 वोल्ट के एम्पियर से, वो एचएचओ बनाती है। वो जितनी आप कह रहे हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी पहले भी कि वो उससे ज़्यादा, यही एक पॉइंट है कि वो हम उतनी एनर्जी जनरेट कर पाते हैं जितनी गाड़ी को चलने के लिए चाहिए। यही एक पॉइंट है नाकामी का सबका कि वो उतनी एनर्जी जनरेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे थर्मोडायनामिक के प्रोसीजर पे ही चलते हैं। अच्छा, एक बात उन्होंने कही कि एक मिनिस्टर साहब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और क्या इससे पहले कोई एग्जामिनेशन हुई? आपने ये कहीं पे पहले डेमो किया? मैं 1500 जगह पर डेमोस्ट्रेशन कर चुका हूं। इससे पहले डॉक्टर साहब से मैंने ये कहूंगा कि जितनी भी मीटिंग्स हुई है गवर्नमेंट लेवल पे 1 जुलाई से 26 जुलाई तक, डॉक्टर साहब कहाँ थे? मुल्क से बाहर थे, यहाँ थे, कहाँ थे? क्यों उनमें पार्टिसिपेट नहीं किया डॉक्टर साहब ने? क्यों इनको इनवाइट नहीं किया? आपने जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन की वहाँ पे कौन कौन लोग थे? यहाँ के जितने भी साइंटिस्ट पाकिस्तान के हैं सारे मौजूद थे, जितने भी टेक्निकल लोग थे सारे मौजूद थे विथ अपने टीम के, जितने भी एटमिक एनर्जी के थे विथ टीम के सारे मौजूद थे, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जितनी टीम पूरे इसके सारे मौजूद थे, मल्टीनेशनल नेशनल जितने भी प्राइवेट लोग सारे मौजूद थे, गवर्नमेंट की बॉडी मौजूद थी। अच्छा, अब जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने अंदर कोई चीज छुपाई हो, को गैस का सिलेंडर लगाया हो, तो क्या उन लोगों ने चेक की? बिल्कुल 100% चेक की, सब ने चेक की, एक मरतबा नहीं 50 मरतबा। अगर डॉक्टर साहब कहते हैं कि सिलेंडर छुपाया हुआ है, तो अभी भी मैं आपको गाड़ी वही उस प्रोसेस से गुजार के, कल आपने देखा कोई सिलेंडर की लाइन लगी हुई थी कि तेल भरा हुआ था किसमें? हमने खुद वाटर डाला। आप डॉक्टर तावरमान की गाड़ी को अपनी वाटर किट से चला सकते हैं? वाटर किट से चला सकता हूं। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब की चढ़े वो तो ना माने वो अलग बात है, जितने भी ये सारे 1500 बंदे थे उन्होंने किसी ने ये इस पॉइंट को नहीं दिया। कल मैंने आपसे जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने की कि आपने सिलेंडर देखा, मैंने आपको चेक करवाया कि ये बंद है, सिलेंडर की लाइन आगे पीछे से निकली हुई है, तो बाकी सिलेंडर कहां छुपाने की जगह थी जहां हमने छुपाया हुआ है? अगर उनको फिर भी सेटिस्फिकेशन नहीं है, तो डॉक्टर साहब आ जाएं, काइंडली आ जाएं, अभी आ जाएं, एक घंटे बाद आ जाएं, जिस टाइम आ जाएं देखें वो चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर एक समझ रहे हैं कि आप ही अकल के लिए कि आपकी समझ से ये ठीक है, और सारे को बेवकूफ बनाना इतनी आसान काम नहीं है। जी डॉक्टर तावरमान साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं आज ये करना चाहता हूं कि ये जो फरमा रहे हैं, इनके हिसाब से दुनिया के अंदर जो आज तक जितने फिजिक्स होती रही है और जितने नोबेल प्राइजेस मिलते रहे हैं और जो बुनियादी उसूल तय किए जा चुके हैं, वो सारे गलत थे। और ये हमारे इंजीनियर साहब ने एक नई चीज डिस्कवर कर ली है जो बेसिक फिजिक्स के प्रिंसिपल के कंप्लीटली खिलाफ है, जो कि इम्पॉसिबल है। और आप किसी, जैसे मैंने कहा, ओ लेवल का स्टूडेंट भी ये जानता है कि एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, और अगर आप विकिपीडिया ही पढ़ लें या कोई सा इंसाइक्लोपीडिया कर पढ़ लें, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि जो प्रोसेस होती है फ्यूल सेल्स के अंदर, जिसके तहत हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ा जाता है, पानी के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं एक ऑक्सीजन होता है, इसका एक मॉलिक्यूल बनता है, उसके तोड़ने के लिए जो तवानाई चाहिए, जो इनपुट है वो ज्यादा होती है बनिस्बत उसके जो तवानाई प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो तवानाई जो है कुछ जाया भी होती है हीट वगैरह में। इसकी वजह से आप कंटिन्यूअस साइकिल परपेचुअल मोशन मशीन नहीं बना सकते। इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक फिजिक्स। मैंने इसे अर्ज किया कि आप 3-4 यूनिवर्सिटीज के जो टॉप डीन्स हैं इंजीनियरिंग साइंसेज के, उनको बुलाकर इंडिपेंडेंट, मेरे तो व्यूज बायस्ड हो सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ठीक है ये बायस्ड हैं, लेकिन आप नस्ट के रेक्टर से बात कर लें, आप यूईटी से, आप मेरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, आप दूसरे जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के जो लोग हैं जो फ्यूल सेल्स में एक्सपर्ट हैं, वो आके कार को एग्जामिन कर लें। आई एम 100% श्योर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, दैट यू आर बीइंग सब्जेक्टेड टू अ ह्यूज नेशनल फ्रॉड, और इस पे पूरी दुनिया में हमारा एक नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब हो रही है, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साइंटिस्टों के सामने इन्होंने किया, और नस्ट वाले भी थे वहां पे, और खुर्शीद शाह साहब फेडरल मिनिस्टर हैं, वो जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद वहां पे लोगों को बुलाया और अपने सामने अपनी निगरानी में ये सारा इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करवाया। आई एम श्योर मुझे यकीन है कि ये बात जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं,
कार यकीनन चल रही होगी, 50 किलोमीटर शायद जा भी सके वो, लेकिन किस तरीके से चल रही है वो, जब तक के कार के अंदर हर चीज का एहतियात से मुआयना नहीं हो जाए जब तक हम क्लेम नहीं कर सकते इस तरह। क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने साबित ये वाकई कर दी है कि इन्होंने फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स को बदल दिया है, तो वो फिर देन ही शुड गेट ऑल द नोबेल प्राइजेज इन द वर्ल्ड, जो कि मुमकिन है, बिकॉज दिस इज व्हाट ही सेइंग इज टोटली इम्पॉसिबल। दूसरे ये कह रहे हैं कि पहले एक्सपेरिमेंट होता है, दूसरी थ्योरी होती है। अभी महीने भर पहले आपने हिग्स बोसॉन के बारे में पढ़ा होगा, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। ये 50 साल पहले थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया गया था, प्रैक्टिकली 50 साल बाद अब साबित हुआ है, जिसको प्रोफेसर हिग्स पर, ये आपके टीवी में भी इसके बारे में आ रहा था। तो ये गलत है, बहुत सी दफा एक्सपेरिमेंट पहले होते हैं, बहुत सी दफा थ्योरी पहले आती है। अच्छा जी, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, मारूफ साइंसदान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम मीता। जी डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि ये आगा वकार साहब जो है, इन्होंने वाटर किट के जरिए गाड़ी चलाई है। डॉक्टर अताउरहमान साहब कह रहे हैं कि प्योर वाटर के साथ गाड़ी नहीं चल सकती, आपका क्या ख्याल है कि ये आगा वकार साहब जो है ये वाटर के साथ, पानी के साथ गाड़ी सही चला रहे हैं या कोई फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं नहीं, कोई फरार नहीं कर रहे, सामने मौजूद हैं, आप सब लोग हैं, साइंसदान मौजूद थे, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग थे, खुर्शीद शाह थे और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, परवेज रशीद थे। ये गलत बात है, फौरी उठा के कह देना। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि नामुमकिन है, लेकिन वो मुमकिनात में हो जाती हैं। मैं भी साहब आपको एक बात बताऊँ, ऐसे बहुत साल पहले, गालिबा मेरा अपना ख्याल है कि 40 साल पहले, 50 साल पहले, रीडर डाइजेस्ट में एक स्पेशल एडिशन आया था जिसमें ये बताया गया था कि कितनी इजाजत थी जिनको लोगों ने नामुमकिन करार दिया था और कहा था ये हो ही नहीं सकती, और उनको आम मामूली से आदमियों ने उसको करके दिखा दिया और सबूत दिया कि वो सब कामयाब रही। तो इस तरह का नहीं है, जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए भी यही कहा गया था कि एक साहब आए बाहर से और वो मक्खा मशीन से, जो मक्खन जिससे आप निकालते हैं ना दूध में से, कि मक्खा मशीन से एनरिचमेंट करेंगे और बम बनाएंगे, ये करेंगे, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये बात नहीं है, जब एक चीज सामने प्रैक्टिकल हो, ये थ्योरेटिकल नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी कि हम 4000 मेगावाट बिजली दे रहे हैं और 10000 मेगावाट दे रहे हैं और 50000 दे रहे हैं और 500 साल तक दे रहे हैं, जबकि एक किलोवाट भी बिजली नजर नहीं आ रही है। तो ये तो वो सामने दे रहा है, सब मौजूद है, कोई धोखा नहीं दे रहा, कि इसमें पेट्रोल की टंकी नहीं लगी हुई, छिपी हुई, वो आप देख सकते हैं। तो हर एक ऐसी चीजों को जो जिनका जिनकी डिमॉन्स्ट्रेशन हो उसमें सब लोग देख सकते हैं। तो इसमें में अगर ये साबित होता है कि कोई किस्म का पेट्रोल वगैरह यूज नहीं हो रहा, तो उस पर यकीन करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये किस तरह हो रहा है। और जो आम है, यानी केमिस्ट्री का मामला भी है कि पानी को आप इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह से स्प्लिट कर सकते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, प्रोबेबली यही इन्होंने किया है और उसको हाइड्रोजन को यूज करना है। अच्छा डॉक्टर कदीर साहब, ये अताउरहमान साहब का ये कहना है कि ये आगा वकार साहब जो भी कह रहे हैं तो ये तो फिजिक्स के जो बुनियादी असूल हैं ये तो उनकी नफी कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, और वो कह रहे हैं कि ओ लेवल के स्टूडेंट को भी पता है कि जो ये कह रहे हैं ये गलत है, तो आप फिर किस तरह इनको सही कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबूत दे रहे हैं। ऐसी बहुत चीजें जो आपको मिसाल दे रहा हूँ कि लोग कहते हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे और बैठे हुए वो ऐसी बातें करते हैं और थ्योरेटिकल साबित करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन बात उसका जूनियर अब बिल गेट्स है उसके सामने आपके साथ स्टीव जॉब्स था, ये नॉन मेट्रिक थे। अगर कोई कहता कि नॉन मेट्रिक जो है ये लोग ऐसे काम कर सकते हैं और वो बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बना सकता है और स्टीव जॉब बना सकता है, तो कोई यकीन करता? तो स्किन की जो बातें, देखिए आपको प्रैक्टिकल देखना चाहिए ऑन द स्पॉट। अगर हमारे अतरमान साहब को कोई शक व शुभ है तो वो देखें और बताएं खड़े होके, गाड़ी के पास जब वो चला रहे हैं उसको बैठ के बताएं कि देखो यहाँ इसने 4G की ये गलत काम किया है, ये यहाँ आपको धोखा दे रहा है, इसके अंदर कोई पेट्रोल की टंकी छुपाई है, वहां से पेट्रोल उसमें आ रहा है। तो ये बात जो इस तरह की नहीं है, आदमी को फौरी कंडेम नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए पूरा कि क्या है। ये जुबानी जमा खर्च नहीं है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ 4000 मेगावाट 10000 मेगावाट 50 मेगावाट, ये आपको ऑन ग्राउंड प्रूफ दे रहा है ये शख्स। तो देखना चाहिए, अगर उनको उसको शक है हमारे अतरमान साहब को, तो वो खुद बुला के उस गाड़ी को चला के खुद देखें सामने खड़े होके कि इसमें क्या फ्रॉड है या वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, आप जरा थोड़ी देर के लिए हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा, एक छोटा सा मुझे वक्फा लेना है और वक्फे के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ओके।